प्रधानमंत्री मोदी का सिक्योरिटी गार्ड एसपीजी कमांडो जो ब्लेड प्रूफ जैकेट पहनता है, क्या वो जैकेट पिस्तौल से निकली हुई गोली को रोक पाएगी? चलो देखते हैं। देखो, फायरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में बंदूक से बाहर निकलती है और ये ब्लेड प्रूफ जैकेट से जाकर टकराती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये ब्लेड प्रूफ जैकेट इन चार लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले सिरेमिक लेयर, फिर एरमिट फाइबर लेयर, फिर वर्टेक्स लेयर और सबसे लास्ट में पॉली एथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट सिरेमिक लेयर की इस सिरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का नुकीला पार्ट डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने के बाद ये बुलेट एरमिट फाइबर लेयर से टकराएगी, जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन बुलेट की कॉन्टेक्ट में आने से ये पीछे की तरह खींच जाएगी और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी, जो एरमिट फाइबर लेयर की अपग्रेड वर्जन है, जो कि और ज्यादा हार्ड होती है। इन सबको चीरते हुए बुलेट जब पॉली एथिलीन लेयर की कॉन्टेक्ट में आएगी, तो ये पॉली एथिलीन लेयर की कॉन्टेक्टेड पार्ट पिघलकर इस बुलेट को ऐसे जकड़ लेगा।